हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिफेंस इनसाइड। आई एम ऋषभ। टुडे वी विल डिस्कस व्हाई चाइना पुल्स बैक देयर ट्रूप्स फ्रॉम एलएसी। आखिरकार चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल से अपने सैनिकों को पीछे क्यों किया, इन सभी को इस वीडियो में हम डिटेल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चाहते हो कि सारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले, सो डू सब्सक्राइब द चैनल डिफेंस इनसाइड एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आप किसी भी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप जियोपॉलिटिक्स, जियो इकोनॉमिक्स टर्म जरूर सुनोगे। बेसिकली इन टॉपिक्स को मिलिटैरली, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक एंगल से हम कंक्लूड कर सकते हैं, और ये तीनों पिलर्स की हेल्प से आप जियोपॉलिटिकल अफेयर्स, बायलेटरल रिलेशन और टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स को अच्छी तरीके से समझ सकते हो या किसी को समझा सकते हो। तो हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करेंगे और हमारे टॉपिक का भी पिलर वही तीन होगा, मिलिटैरली, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक। तो हम बात करेंगे कि आखिरकार वो कौन से तीन फैक्टर्स हैं जिसके कारण चाइना विवश हो गया अपने सैनिकों को पीछे ले जाने से। तो हम स्टार्ट करते हैं मिलिटैरली से। तो यूएसए ने अपने दो बड़े मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस निम्ज और यूएसएस रोनाल्ड रेगन को साउथ चाइना सी में डिप्लॉयड कर दिया, और बेसिकली चाइना के एग्रेशन को काउंटर करने के लिए एक बहुत बड़ा फैसला है। यूएस नेवी की मैं बात करूं तो यूएस नेवी के पास दुनिया में सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, और सबसे ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर होने के बावजूद भी सबसे मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस नेवी के पास हैं। मैं आपको एग्जांपल देना चाहता हूं, इंडिया के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है INS विक्रमादित्य, जिसका डिस्प्लेसमेंट वेट है 45,000 टन। वहीं मैं रोनाल्ड रेगन की अगर मैं बात करूं तो उसका डिस्प्लेसमेंट वेट कितना है, 1,00,000 टन। सो आप समझ सकते हो, कंपेयर कर सकते हो कि कितने मैसिव एयरक्राफ्ट कैरियर यूएस ने डिप्लॉय कर रखा है साउथ चाइना सी के ऊपर। यह साउथ चाइना सी का मैप है और यहाँ पर कुछ कंट्रीज़ आपको दिख रहे होंगे, वियतनाम, फिलीपींस, ताइवान, और बीच में कुछ आइलैंड्स आपको दिख रहे होंगे, पारासल आइलैंड्स और स्पार्टली आइलैंड्स। इन दोनों आइलैंड्स के ऊपर चाइना इलीगल तरीके से अपना क्लेम करता है, और इसके बीच में साउथ चाइना सी के बीच में चाइना ने कई सारे आर्टिफिशियल आइलैंड इसलिए बना रखे हैं ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैरिटाइम एरिया को एक्वायर कर सके। हाल ही में इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने मिलिट्री पैक्ट साइन किया है जिसके तहत दोनों कंट्री डेटा शेयरिंग और एक दूसरे का नेवल बेसिस यूज़ कर सकते हैं, और एक बहुत बड़ा फैसला है ताकि दोनों कंट्रीज़ इंडो पैसिफिक रीजन में डोमिनेटिंग पावर बन सकें और चाइना के एग्रेसिव स्ट्रेटजी को काउंटर कर सकें। इसके बाद है क्वाड इफेक्ट। क्वाड के बारे में मैं आपको बता दूँ, क्वाड इज़ ए बेसिकली ग्रुप ऑफ फोर कंट्रीज़, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। और क्वाड का फॉर्मेशन इसलिए ही हुआ था कि ताकि इन चारों कंट्रीज़ का अपर हैंड रहे इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना के बीच में। तो जब कोरोना वायरस का जब आउटब्रेक हुआ, या यूँ कहूँ तो चाइनीज़ वायरस का आउटब्रेक हुआ, तो स्टार्टिंग में इन चारों कंट्रीज़ के बीच में म्यूचुअल कोऑपरेशन और अंडरस्टैंडिंग की कमी दिखी, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इन सभी मूवमेंट को लीड किया और चाइना के ऊपर दबाव बनाया कि वुहान में एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि किस तरह से वहाँ से आउटब्रेक हुआ। और जब गलवान में और लद्दाख के हर एक फ्रंट पे इंडिया के साथ कन्फ्लिक्ट बढ़ा, तो इंडिया यहाँ पे इस पूरे मूवमेंट को फुल फ्लेज में लीड करने की कोशिश की, और इंडिया शायद इसमें कामयाब भी रहा। और 15 जून के कन्फ्लिक्ट के बाद चाइना को ये मालूम चल गया कि इंडिया 1962 का इंडिया नहीं है, और इसलिए शायद चाइना पीछे हटने पर विवश हुआ। अगला है डिप्लोमेटिक फैक्टर। आपको बता दूं कि डिप्लोमेसी सबसे बड़ा वेपन होता है किसी भी दो कंट्रीज़ के बीच का कोई भी डिस्प्यूट सॉल्व करने का, और हाल ही में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लद्दाख का विजिट किया और वहाँ पे उन्होंने जवानों को एड्रेस करते हुए हिस्टोरिक स्पीच दिया। उन्होंने कहा, एक्सपेंशनिस्ट आइडियोलॉजी विल बी क्रस्ड बाई इट सेल्फ और दे विल बी फोर्स्ड टू गेट बैक। इसका मतलब कि इतिहास गवाह है कि विस्तारवादी नीतियाँ खुद से तबाह हो गईं या पीछे हटने को विवश हो गईं, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज था चाइना के लिए, और चाइना को भी समझ में आ गया कि इंडिया इस बार पीछे जाने वाला नहीं है। अगला डिप्लोमेटिक फैक्टर चाइना की तरफ से शुरू किया गया, उनके माउथ पीस ग्लोबल टाइम्स और बहुत सारे मीडिया आउटलेट्स में खबर आई कि इंडिया को टू फ्रंट वार के लिए तैयार रहना चाहिए। लेकिन आपको मैं यहाँ बता देना चाहता हूँ कि इंडिया टू फ्रंट वार तो हैंडल कर लेगा, लेकिन चाइना को यहाँ मल्टीपल फ्रंट ऑफ वार हैंडल करना पड़ सकता है, और चाइना उसके लिए तैयार नहीं है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी ऐसे रिपोर्ट निकल के आई हैं कि चाइना के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, उनके मीडिया में खबर चल रही है कि जो व्लादिवोस्तोक, जो रशिया का फार ईस्टर्न सिटीज़ है, हिस्टोरिकली चाइना का पार्ट रहा है। अब आप बोलोगे कि चाइना के गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला। बिल्कुल चाइना की गवर्नमेंट ने ऐसा नहीं बोला, लेकिन चाइना की अगर आप पॉलिटिक्स को आसानी से समझो, अगर डिटेल में जाकर समझो,
तो चाइना में कोई भी स्टेटमेंट वहाँ के कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के बिना नहीं दिया जा सकता। तो इससे आप समझ सकते हो कि यह स्टेटमेंट दिया गया है कि व्लादिवोस्तोक चाइना का इंटीग्रल पार्ट है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और उनके थिंक टैंक की आइडियोलॉजी है। व्लादिवोस्तोक की अगर मैं बात करूँ तो इस मैप को देखना है, नॉर्थ की तरफ बढ़ना है, मैं जूम कर रहा हूँ, ये जो रीजन आपको दिख रहा है यही है व्लादिवोस्तोक। और रशिया के जियो स्ट्रेटजिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमर्शियली भी काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है, और रशिया का ट्रेड ईस्टर्न साइड से यहीं से होता है क्योंकि रशिया के बहुत सारे कोस्टल एरियाज़, कोस्टल सिटीज़ फ्रीज रहते हैं थ्रू आउट द ईयर। तो चाइना इसी व्लादिवोस्तोक सिटी को क्लेम करने की कोशिश की है, और नॉर्थ से जब क्लेम किया गया तो रशिया ने इसे स्ट्रॉन्गली कंडेम किया। आपको रशिया और चाइना का रिलेशन भी समझना ज़रूरी है। एशिया में चाइना का पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया के बाद सबसे क्लोज एलाई रशिया है। यह आपको सुनकर आपको आश्चर्य भी लग रहा होगा, लेकिन यह रियलिटी है कि चाइना और रशिया का अभी म्यूचुअल कोऑपरेशन काफ़ी बेहतर है। लेकिन फिर भी रशिया अपने टेरिटोरियल डिस्प्यूट को कभी भी चाइना के हाथ में नहीं सौंपना चाहेगा, और इसलिए नॉर्थ से रशिया, ईस्ट से साउथ कोरिया और यूएस शिप्स, और वेस्ट से इंडियन आर्मी चाइना को पूरी तरह से घेरे हुए है। और इससे आप कह सकते हो कि चाइना को मल्टीपल फ्रंट ऑफ वार के लिए तैयार रहना पड़ेगा। इकोनॉमिक प्रेशर की अगर मैं बात करूं तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने कहा कि जो चाइनीज़ ऐप है, 59 चाइनीज़ ऐप इंक्लूडिंग टिकटॉक, जिससे इंडिया के इंटीग्रल सिक्योरिटी और सोवरेनिटी को थ्रेट पहुंच रहा है। और ऐसे बहुत सारे रिपोर्ट्स हैं जिससे निकल के खबरें आई कि चाइना बहुत सारे डेटा चुरा कर अपने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना को दे रहा था, और जिसका फ़ायदा लॉन्ग टर्म या वार टाइम में चाइना यूज कर सकता था। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे बैन करने का फैसला लिया। आपसे यहाँ पूछ सकता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के किस मिनिस्ट्री ने 59 चाइनीज़ ऐप को बंद किया है, तो आप बता सकते हो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और मिनिस्ट्री ने सेक्शन 69A ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट ऑफ 2009 के तहत इस 59 चाइनीज़ ऐप को बैन किया। इससे सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इंडियन मॉडल को कॉपी करना शुरू कर दिया गया। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के ब्यूरोक्रेट्स और मीडिया में चर्चा होने लगी कि हमें भी इंडिया की तरह चाइनीज़ ऐप को अपने कंट्री से बैन करना चाहिए। और अमेरिका के सिक्योरिटी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो ने कहा है कि हम भी विचार कर रहे हैं कि 59 चाइनीज़ ऐप की तरह, जिस तरह से इंडिया ने 59 चाइनीज़ ऐप को बंद किया है, हम भी टिकटॉक और कुछ चाइनीज़ ऐप्स को अपने कंट्रीज़ में बैन करेंगे। और तीसरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अमेरिका जो सोचता है यूरोप वही करता है, इस डिप्लोमेसी को आप समझो। तो आपको कुछ दिन बाद ये ज़रूर देखने को मिलेगा कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ इंक्लूडिंग जर्मनी, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, बहुत सारे कंट्रीज़ इन सभी ऐप्स पर बैन लगाएंगे। टिकटॉक की अगर मैं बात करूँ तो टिकटॉक का पूरा प्लान था कि साल के अंत तक इंडिया से मोर देन $6 बिलियन की कमाई कर लें, और एक मैसिव लॉस टिकटॉक को यहाँ झेलना पड़ा है। अगर आप बोलो कि क्या $6 बिलियन से चाइना सुधर जाएगा, तो मैं बोलता हूँ बिल्कुल नहीं। लेकिन $6 बिलियन एक बहुत बड़ा अमाउंट होता है, बहुत सारे देशों का इतना डिफेंस बजट नहीं होता उतना टिकटॉक यहाँ से कमाई करके ले जाता। और आप फोर्ब्स की रिपोर्ट को पढ़ सकते हो, टिकटॉक में लूज अप टू $6 बिलियन एज रिजल्ट ऑफ इंडिया बैन, तो फोर्ब्स की रिपोर्ट थी। अगर आप मिलिटरली, इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक एंगल को कंक्लूड करो, समराइज करो, तो इससे समझ सकते हो कि जितने भी कन्फ्लिक्ट्स अभी चाइना ने शुरुआत की है ताकि वो अपने इंटरनल डिस्प्यूट्स को बचा पाए, चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट जा चुका है। दैट्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।